देखें माइंडसेट की गेम है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप माइंडसेट बनाते हैं वैसा ही आप जाके खेलते हैं। तो मेरा माइंडसेट यही था कि मैं अपनी प्रैक्टिसेस पे बिलीव करता हूँ, अपने आप पे बिलीव करता हूँ और एंजॉय करता हूँ क्रिकेट को और चैलेंज लेता हूँ। मैं जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता अपनी बैटिंग से और कि मैंने आज कर लिया तो भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, नहीं। जो हो गया वो गुजर गया। नया दिन, नया चैलेंज, नई बॉलिंग, नई विकेट, नया आपके चैलेंजेस आते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता। अपने आप से मैं बहुत बात करता हूँ, जो मिस्टेक्स थी, और मैं अपनी मिस्टेक्स को देखता हूँ कि यार मैं कहाँ गलत हूँ। छोटे छोटे गोल्स और टाइम बे टाइम चीज़ें सीखी हैं, और जो एक जोन था उस जोन से निकला मैं, जो मेरा कंफर्ट लेवल जोन था उससे निकला, उससे निकल के डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। मैं जो अच्छी इनिंग्स भी खेलता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि इसमें मैं किस पॉइंट पे या किस टाइम पे मैंने कुछ यहाँ पे मैं बेस्ट कर सकता था, उस टाइम पे मैं और बेस्ट कर सकता था, वो भी मैं चीज़ नोट करता हूँ। और बुरे टाइम पे मैं अपनी जो मेरी इनिंग्स हैं उसको मैं देखता हूँ कि यार मैंने जब अच्छी इनिंग्स खेली हैं तो उस टाइम मैं क्या सोच रहा था, उस टाइम पे मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और मैं उस टाइम मेरा माइंडसेट क्या था। जैसे आप नेट में खेलते हो, जो आप नेट में सोचते हो वही आप मैच में करते हो, और जैसे आप नेट में बैटिंग करते हो, अगर आप जाके इधर उधर शॉट मार रहे हो, आउट हो रहे हो, तो वैसे ही जाके आप मैच में वैसे ही खेलोगे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैं कोशिश करता था कि जो बड़े प्लेयर थे ना उनसे बात करूं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या उनका माइंडसेट है, वो किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, और अगर वो शेल में जाते हैं या उनसे परफॉर्म ना हो तो वो उस चीज़ से कैसे निकलते हैं। यार इस टाइम पे यहाँ इस कंडीशंस में इस बॉलर को कैसे खेलना है, अगर इस शॉट में मैं फंस रहा हूँ तो उसकी मुझे क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। तो वो फिर मैं जाके चीज़ें अप्लाई करता हूँ, अगर मुझे सूट करती है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, अगर नहीं करती तो ये नहीं है कि आपने करनी है, आप वो चीज़ ना करो। अगर आपको वो सूट नहीं करी आप दूसरा वे देख लो। देखें ये नहीं कि किसी बंदे ने कह दिया कि एक चीज़ यही करनी है, अगर वो आपको सूट नहीं कर रही आप दूसरी चीज़ ट्राई करो। मेरा एक शुरू से यही था कि मैं बहुत डाउन हो जाता था कि अगर मेरे से परफॉर्म ना हो, लेकिन वो चीज़ मेरे जब आहिस्ता आहिस्ता मैं क्रिकेट खेला तो वो चीज़ मेरे नेगेटिव चीज़ में जाती थी कि मैं उस चीज़ में जब शेल में जाता था तो मैं नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू कर देता था, लेकिन अब वो चीज़ मैंने ओवरकम की है जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। देखें आपकी जो शॉट्स हैं वो कभी ना छोड़ें, और जो आपकी गेम है उसको कभी चेंज ना करें। जो आप शुरू से खेलते आ रहे हैं उसी पे रहें, आप उसको इम्प्रूव करें और नई शॉटें उसमें ऐड करें, लेकिन ये नहीं कि आप टोटली अपना स्टांस भी चेंज कर दें या आप अपनी पूरी जो शॉट्स हैं कि यार यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आता है तो इधर वो शॉट्स नहीं खेलनी। आपके जो मेन शॉट्स हैं, जो आपका कमांडिंग गेम है, वो आप अप्लाई करें।